हेलो एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम रीजनिंग का क्विज टेबल को कवर कर रहे हैं। ये रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा और क्विज टेबल का लेक्चर नंबर 1 है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप माई एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 7503304182। इस पर आप एडमी करके मैसेज सेंड कर दीजिए, मैं आपको माई एकेडमी ग्रुप से ऐड कर लूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी माई एकेडमी पर वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास डायरेक्ट लिंक उसका मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चला जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक में आपको एक ब्लॉक डायग्राम ना कह के इसे कहें कि एक डायग्राम दिया रहेगा, और वो किसी प्रकार का डायग्राम हो सकता है। जैसे कि आपको ये ऐसे डायग्राम हो सकते हैं, ये 4 ब्लॉक यानी कि 4 ब्लॉक का डायग्राम हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपका सर्कल हो और इसमें ऐसे कर दे, और आपका ये भी हो सकता है कि ऐसे कर दे। और इसमें पूछता क्या है, ये भी पूछ सकता है आपसे। इसमें आपको एक मिसिंग होता है, एक जो ब्लॉक है यानी कि ये इसमें सेल हैं, जो ये एक सेल है, इसमें 9 सेल हैं, तो इसमें से एक सेल मिसिंग होता है। इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं ऐसे। इसमें ये भी मिसिंग हो सकता है, कहीं भी मिसिंग हो सकता है, इसमें यहाँ मिसिंग हो सकता है, इसमें यहाँ मिसिंग हो सकता है, यहाँ मिसिंग हो सकता है, यहाँ मिसिंग हो सकता है। और आपको कुछ वर्ड इसमें दिए होंगे, जैसे कि इसमें दे दिया 1 2 4 8 6 7 1 2, कुछ भी दे दिया। एक वो ऐसे डिजिट देता है एग्जाम में कि आपको अप्रोप्रिएट उसको एक पैटर्न पे फ्लो करता है, वो एक पैटर्न का फ्लो करता है। उसी तरह इसमें कुछ भी यहाँ पे पुट कर दिया 0 1 0 2 5 6 7 8। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल पर ये ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न फ्लो कर रहा है। मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि इसमें एक जो ये पैटर्न है, ये भी जितने भी सेल हैं ये सब फुल होते हैं यानी कि फिल होते हैं वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन में, बट एक जो आपका सेल होता है वो उसमें आपको डिजिट को, अप्रोप्रिएट डिजिट को भरना होता है। और उसी तरह ये जो सर्कल है इसमें से आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह के पूछ रहा है, और 0 2 8 1 2 ऐसे करके कुछ भी दे दिया। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक पैटर्न फ्लो करता है, उस पैटर्न के अनुसार इसमें डिजिट को फिल करना होता है। तो देखिए इसमें कोई ना कोई एक पैटर्न को फ्लो कर रहा होगा, जैसे कि पैटर्न कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये 3 × 3 का सेल है, तो आपको देखना कैसे है, यानी 3 × 4 का भी सेल हो सकता है, 4 × 4 का भी सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको एग्ज़ाम में आपको जो भी पूछा जाए आपको बस, इसमें क्या है कि अगर आप इसे हम इस डायरेक्शन में बात करें तो इसे रो कहते हैं हम, और इस डायरेक्शन में बात करें इसे कॉलम कहते हैं हम। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर जो एक सेल है ये मिसिंग है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हम पुट करेंगे कि इस सेटिस्फाई करेगा, इस सभी ब्लॉक डायग्राम के पैटर्न को फ्लो करेगा। तो इसके लिए या तो ये हो सकता है कि सभी रो को एडिशन करें और ये इक्वल हो जाए, इस रो को एडिशन करें, यहाँ पे मान लीजिए 45 आया, यहाँ भी 45 आ जाए ये सभी रो। इसी तरह ये भी रो को ये कर रहा है कि एडिशन सभी रो को कर रहे हैं तो ये 45 ही आ रहा है, तो इस रो को भी एडिशन करेंगे तो ये भी 45 ही आएगा। यानी कि ये रो और ये रो को ऐड करेगा 33 आता है, तो अगर 45 सभी रो ऐड करने से 45 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आपका ये फोर्थ रो है उसको भी एडिशन के बाद आपका 45 ही आएगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि ये 11 है, ये 10 है, ये 12 है, तो ये 33 हुआ, तो इसका मतलब 45 में से 33 माइनस कर दीजिएगा तो 21 यानी कि यहाँ पे 12 आया होगा। तो इस तरह का एक कोई भी पैटर्न जो कि आपको दिख जाएगा। या तो ये भी हो सकता है कि इसे कॉलम वाइज इसमें एडिशन हो और वो इक्वल हो जाए ऐसे। ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपका ये 3 × 3 है या 4 × 4 हो, कुछ भी हो, तो ये भी हो सकता है कि
यहाँ 1 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे दे दिया 5, यहाँ पे दे दिया 25, यहाँ पे पूछ दिया क्या। तो ये हो सकता है कि इसका हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 इंटू 2, या इसको स्क्वायरिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और 4 में भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 5 5 25, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आ रही है। तो कोई ना कोई एक पैटर्न फ्लो करेगा। हम इसे अगर पैटर्न वाइज पे देखें तो ये, मतलब कहने का, मेरे समझाने का मतलब यह है कि आपको कोई ना कोई पैटर्न दिख जाएगा स्क्वायरिंग को। ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे जो डिजिट आए इसके और इसके एडिशन करें, तो ये सभी के स्क्वायर का एडिशन यहाँ पे इक्वल आए, तो थर्ड में भी स्क्वायर का एडिशन इक्वल आएगा। या इसे रो वाइज भी अगर देखें तो हो सकता है कि स्क्वायर का, यहाँ कि इसके ये नंबर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, और यहाँ पे कुछ पूछ दिया है कि क्या होगा। ये हो सकता है इसके सभी के स्क्वायर करके हम कुछ ऐड करें तो यहाँ पे डिजिट जो आए वही सेम डिजिट यहाँ भी स्क्वायर करके लिखे तो सेम आए। तो इस थर्ड वाले भी यही पैटर्न को फ्लो करेगा, और इसे कॉलम वाइज भी देखें तो उसी पैटर्न को फ्लो करेगा। आपको ये भी हो सकता है कि जैसे कि ये 3 कॉलम है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ बेसिकली, ये 4 कॉलम है या 3 रो है, तो इसमें यह भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कलर का गड़बड़ है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे 8 है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है यहाँ पे 9 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 27 हो, और यहाँ पे आपसे कुछ भी हो 16 हो, यहाँ पे 4 हो, और यहाँ पे 64 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, और यहाँ पे आपसे पूछ दिया कि क्या होगा, यहाँ पे डैश दे दिया। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि अगर इस एग्जाम्पल को मैं सोल्व कहूँ कि इसका आंसर बताइए, ये एक तरह का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देखिए कि ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 2 का क्यू हो रहा है, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 3 का क्यू हो रहा है, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 4 का क्यू हो रहा है, उसी तरह यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का क्यू 1 ही होता है, तो इसलिए यहाँ भी 1 हो जाएगा आंसर आपका। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं बता रहा हूँ। तो अभी जो आपका सर्कल है, और भी बहुत तरह का डायग्राम आते हैं इसमें ऐसे भी, तो उस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम इसको ये ब्लॉक डायग्राम यानी कि स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम या रेक्टेंगुलर ब्लॉक डायग्राम टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में देखिए आपको 14 ये है, ये 19 है, और ये 12 है, और ये 13, 15, 17, 18, 11 और डैश। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक लीजिए और अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अगर बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको फिर प्ले करके देख सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको पैटर्न, देखिए पैटर्न कोई ना कोई इसमें फ्लो कर रहा है। जैसे कि देखिए इधर से आप मैंने बताया था फर्स्ट रूल की, इसे रो वाइज ऐड कीजिए, कॉलम वाइज ऐड कीजिए, स्क्वायर करके ऐड कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, जैसे भी पॉसिबिलिटी हो रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो अगर ये उस जिस पैटर्न को ये फ्लो कर रहा है उसी पैटर्न को ये भी फ्लो करना चाहिए, इसी पैटर्न को ये भी फ्लो करना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसको ऐड कीजिए, इसे 4 3 7 और 7 और 8, ये हो गया 7 और 8, एक 15, यानी कि 15 का 5 और 1 1 3, यानी कि ये टोटल ये 45 है। इसको भी आप ऐड कीजिएगा तो देखिए ये 10 और 5 5 और 3 1 4 45 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी एडिशन आपका 45 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 29 है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 29 प्लस क्या जोड़ दे कि 45 होगा, यानी 16 जोड़ देंगे तो ये 45 हो गया आपका, यहाँ पे आंसर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए 125 192 56 25 एंड डैश, यानी कि इस सेल का आपका वैल्यू बताना है जब आपको सभी डाटा दिए हुए हैं। तो देखिए आप इसको एडिशन कीजिए, तो एडिशन कीजिएगा तो 6 होगा, 6 और 25 31, और 31 को 125 से
ऐड कीजिएगा तो ये देखिएगा, इसको भी एडिशन कीजिएगा तो वो इक्वल नहीं आएगा, तो ये पैटर्न को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। हम इसे कॉलम वाइज ऐड कर लीजिए, रो वाइज ऐड करते हैं। इसको देखिए, इसको ऐड कीजिएगा, फिर देखिए यहाँ पे 7, 3, 10 और 11 ही आया, जबकि ये ऐड कीजिएगा यहाँ पे तो ये बहुत बड़ी डिजिट आएगी, 3 डिजिट की संख्या आएगी। तो इसलिए ये एडिशन को नहीं रूल को फॉलो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन का रूल को एक बार स्क्वायरिंग के रूल को ट्राई कीजिए। ये 1 के पावर 5 कुछ भी करें तो 5 ही आएगा, 5 के स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर करें अगर तो 625 होता, लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायरिंग नहीं कर सकते क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, तो स्क्वायरिंग रूल को भी नहीं मान रहा है, उसको भी एग्री नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 इंटू 5 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 5 होगा, फिर इसको भी 5 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 25 होगा, और फिर इसको भी 5 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 125 होगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये रूल को एग्री कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 को मल्टीप्लीकेशन कर रहा है 2 से तो 7 दूना 14 को फिर 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 28, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये 28 दूना 56। उस तरह यहाँ पे देखिए 3 को हम 4 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आ रहा है 12, 12 को अगर 4 से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन 4 से यहाँ पे 48 आएगा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि क्या हम 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या 92 आएगा, 192, तो जी हाँ 4 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये 192 आएगा, जो कि ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ये आपका 48 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही सेल मिसिंग हो, आपको 2 सेल मिसिंग हो सकती है, 3 सेल भी मिसिंग हो सकती है, लेकिन बस आपको लेकिन क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि वो एक ना एक पैटर्न पे वो एग्री करता हो, पैटर्न को यानी फ्लो करता हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 112 अगर आप यहाँ पे एक अनोन है और दूसरा अनोन यहाँ पे है और दोनों की वैल्यू बतानी है हमें, जबकि 3 पैटर्न लगातार दिए हुए हैं। तो देखिए अगर हम इसको एडिशन रूल को देखें तो 9 4 13 1 14 और 4 3 7 2 9 1 10 ये रूल को फ्लो नहीं कर रहा है एडिशन को। अगर हम इसे कॉलम वाइज एडिशन करते हैं तब भी नहीं कर रहा है, स्क्वायरिंग करके करेंगे तब भी नहीं करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक रूल ऐसी है जो इस पैटर्न को एग्री कर रही है, जैसे कि यहाँ पे हम इसको स्क्वायर कर दें 1 का, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, बट यहाँ पे हम 1 का इंटू 2 कर दें तो 1 इंटू 2 यानी कि 2। तो ये तो रूल चलिए ये तो कर गया फर्स्ट, लेकिन सेकंड में देखते हैं क्या उसी पैटर्न को ये भी फॉलो कर रहा है। देखिए कोई भी पैटर्न अगर फर्स्ट कर रहा है तो सेकंड उसी को करेगा, थर्ड भी उसी को करेगा, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 को मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर कीजिए, 2 को यहाँ पे ऊपर स्क्वायर कर रहे हैं, नीचे की तरफ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 4, बट 2 का स्क्वायर करते हैं आप 4। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर 3 का, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, और यहाँ भी अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 3 को 2 से तो 6 आ रहा है, यानी कि ये देखिए एसएससी का क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का, तो 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये भी 6 आ रहा है, तो यानी कि ये सभी पैटर्न को फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा 2 से तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर आपका जो फर्स्ट रो में जो आपका मिसिंग टर्म है उसकी आंसर आ जाएगी आपकी 16, और जो थर्ड रो में मिसिंग टर्म है उसकी आंसर हो जाएगी 8। देखिए इस टॉपिक का नाम मिसिंग नंबर भी होता है, और आपका जो मैंने आपको बताया था कि क्विज टेबल भी होता है, तो इसे 2 नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 9 8 7 6 7 8 5 4 6 और 260 214 और एक मिसिंग टर्म, इसमें एक अननोन है जो कि ये आपका थर्ड कॉलम और फोर्थ रो में है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखें, आप इसमें देखिए इसे रो वाइज एडिशन कीजिए या कॉलम वाइज एडिशन कीजिए, देखिए ये इक्वल नहीं आएगा, इस रूल को ये एग्री नहीं करेगा। स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करके सभी को ऐड करें तब भी नहीं आएगा, तो ये देखिए ये कैसे रूल को एग्री कर रहा है। इसमें इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 6 5 30 आएगा, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दें 30 आएगा, और इस 30 को 9 से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 270 आएगा, 270, और माइनस अगर 10 कर दें तो ये आ जाएगा आपका 260, जो कि यहाँ पे पुट है। यानी कि ये जो आपका फर्स्ट रो है
सेकेंड रो यानी कि रो नंबर, ये जो रो है टू या रो थ्री को मल्टीप्लिकेशन कर को इसका पूरा होल, फिर मल्टीप्लिकेशन अगर रो वन से कर दें, रो वन से, और इसमें से माइनस 10 कर दें तो ये इक्वल आएगा, यानी कि ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें और माइनस 10 कर दें तो ये इक्वल आ जाएगा आपके जो फोर्थ रो है यानी आर फोर होगा वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 7 चौका 28 और 28 8 आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो तब भी आ जाएगा। इसको 6 × 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9 कर दीजिए तो आ जाएगा 270, और -10 करना है तो ये आ गया 260। तो ये फर्स्ट को फॉलो किया। सेकेंड में उसी तरह हम करेंगे, 7 चौका 28 × 8 और -10 कर देंगे तब भी आपका आ जाएगा 214। उसी तरह इसको भी हम करेंगे तो यहाँ पे जब हम करेंगे ये 326 आएगा आपका, 326। इसको आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 7 × 7 = 42 हो गया यहाँ पे, और 8 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और -10 कर दीजिए तो 326 आ जाएगा। -10 आपको करना है यहाँ पे। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम एक और लेक्चर ले लेंगे इस पे, जो कि ब्लॉक डायग्राम है रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में। इसके बाद हम जो आपका सर्कुलर है या अदर पैटर्न है, जो भी पैटर्न बनते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर लाइक वीडियो, एंड एनी डाउट यू ऑल्सो कमेंट दिस कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।